Hello everybody, Assalamualaikum, hope you all are fine. My name is Ashir and you are watching your own channel, Ashir Vlogs. पत्नी बच्चे ये क्या अजीब यार इनका मेंशन कर सकता हूँ तो इस व्लॉग की स्टोरी क्या वो अभी आप लोगों को बताता हूँ। उससे पहले कि मैं यहाँ पर थोड़ा सारा पहले माहौल बना लेंगे कि हम बातचीत कर सकें तो पहले मैं माहौल बना लूँ फिर आप मतलब व्लॉग की स्टोरी आप लोगों को बताता हूँ। जी तो ख़वातीन हज़रात थोड़ा सा जो मैंने माहौल बनाना था वो बना लिया ताकि मैं बैठ के बड़े आराम और सुकून से आप लोगों के साथ बात कर सकूं। मेरा ख्याल तो है कि माहौल बन चुका है, एक ही चीज़ की कमी लग रही है और वो कमी है जी डाइट की, और वो कमी भी हो चुकी है जी अब पूरी। सो ख़वातीन हज़रात बात करता चलूँ व्लॉग की स्टोरी की तो सबसे पहले मैं कुछ लोगों से माजरत करना चाहूँगा जो लोग अभी तक इस व्लॉग को देख चुके हैं। ये पता नहीं इस व्लॉग में क्या अच्छा साफ करने लगे हैं तो उनको मैं बताते चलूँगी। इस व्लॉग में मैं तो बहुत कोई अनोखा काम नहीं करने लगा, मैं वेला बैठा हुआ था तो मैं तो बस अचानक से ये छोटा सा आइडिया है तो मैं व्लॉग में बता गया हूँ। अगर आपको मसरूफ है तो या आपने इंपॉर्टेंट अपना काम करना है, कोई ज़रूरी काम करना है तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप वो पहले काम कर लें, बाद में आके इस व्लॉग को देख लीजिएगा। हाँ अगर आप वेले हैं मेरी तरह के तो फिर भी मसले की बात है। तो ख़वातीन हज़रात बात कर रहा था जी मैं व्लॉग की स्टोरी की, तो व्लॉग की स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक तो है संडे और मेरे ख्याल में अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन एवरी संडे इज नॉट अ फंडे। अब पता नहीं आप लोग इस बात से मेरी एग्री करते हैं कि नहीं, मेरे ख्याल में तो एवरी संडे इज नॉट अ फंडे। खैर इनू फर्क रहो, सानू ऐसी गल नहीं करनी कि संडे फंडे है कि नहीं, बात हमने करनी कुछ लास्ट लोग बस कुछ खबर दिनों रात ऐसी है कि मैंने करना है जी फैसला। फैसला क्या करना है, मैंने सोचा आप लोगों के सामने एक फैसला कर लिया जाए कि एक हफ्ते में कितने व्लॉग्स अपलोड होने चाहिए। अभी ये मैं एक स्टिकी पैड नोट्स लेकर आया हूँ, कोई बंदा ये ना समझे कि ये मैं ख़रीद के लाया हूँ, इसके पीछे एक बड़ी लंबी स्टोरी है। लेकिन हम इस स्टोरी की बात अभी करेंगे क्योंकि मैं इरफान जुनेजो की तरह तो हूँ नहीं कि हर बात पर कह दूँ कि इसकी बात हम करेंगे किसी और से, हम इस चीज़ की बात करेंगे अभी क्योंकि हम हैं जी वेले। इस्तेमाल ही कर लेते हैं चीज़ें, वैसे तो ये खत्म हो गई, अभी भी ये होंगे नहीं क्योंकि हमें मेरे ख्याल से चाहिए कोई चार से पाँच। फैसला सब दिनों के बाद हमने ये करना है कि अभी हम लोग बनाएंगे जी पर्चियाँ, उन पर्चियों पे हम लिखेंगे व्लॉग्स के नंबर आपके सामने, आपका भाई खुद ही एक पर्ची उठाएगा, सारी मिक्स होंगी और उस पर्ची में जितने नंबर ऑफ व्लॉग्स लिखे होंगे हफ्ते में उतने अपलोड किए जाएंगे। मतलब वन व्लॉग इन अ वीक, टू व्लॉग, थ्री व्लॉग, ऐसी को मतलब इतना कोई साइंस इस तक लिखूँगा और बाद में वो पर्ची उठाएंगे और जो उनकी पर्ची पर नंबर ऑफ व्लॉग्स निकलेंगे उतना आपका भाई अपलोड करने की कोशिश करेंगे। बाकी मर्जी तो मेरी है मैं अपलोड करा या ना करा, पर वैसे चलो इसी बने छोटा जहाँ व्लॉग भी बन जाएगा तो उसी भी इंजॉय कर लगूँगा। संडे मैंने पता तो हो तो सारे से हो गए, चले फिर बनाते हैं पर्चियाँ। अब कोई अगर मेरा कोई मम्मी डैडी भाई या बहन इस व्लॉग को देख रहा है उसको नहीं पता पर्ची क्या होती है तो ये अपने किसी बुजुर्ग से जाकर पूछ लेना, वैसे तो मुझे पता ही होगा आपको व्हाट इज पर्ची। हम बनाएंगे पर्चियाँ, जी तो नाजरीन ये आपके सामने चार अदद पर्चीज तैयार हो चुकी हैं
पहले मैं आप लोगों से बात क्लियर करता चलूँ कि मैं यहाँ पर कोई राइटिंग का टेस्ट नहीं देना है, तो लिहाजा कोई बंदा मेरी खूबसूरत राइटिंग के ऊपर कोई बात ना करे। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 1 व्लॉग इन अ वीक, 2 व्लॉग इन अ वीक, 3 व्लॉग इन अ वीक, तो 7 व्लॉग इन अ वीक। पहली पर्ची तो मेरा दिल में गया भी था क्योंकि कम होना नहीं मेरे का, पर चलो लेट्स सी। अरे जो पर्चीज हैं इनको मैं करूँगा कुचल मुचल, मतलब इनको मैं बंद करूँगा और बाद में आपकी आंखों के सामने इसको करूँगा मिक्स। कोई पर्ची गायब नहीं होगी, 4 की 4 पर्चियाँ रहेंगी, धांधली बिल्कुल नहीं होगी यहाँ पर, जो होगा बिल्कुल ओके होगा, सच सचमुच ही होगा जो भी होगा। अभी पहले इसको मैं गाना जरा कुचल मुचल करके मिक्सअप कर लूँ। जी तो खवातीनों दराज या सब पर्चियाँ जो हैं ये बंद बंद हो चुकी हैं एंड अभी ये आपके सामने जो है मिक्स की जा रही है ताकि आपको लगे ना कि कुछ उल्ट पुलट हुआ है, जो निकलेगा उसके ऊपर पूरी कोशिश होगी कि अमल किया जाए। पहले अब मैंने ये उठानी है क्योंकि और तो कोई बंदा है नहीं यहाँ पर उठाने के लिए, क्योंकि मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ। अभी हम एक अगर पर्ची जो है वो उठाने लगे हैं कि आपके सामने ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 एंड अभी हम निकालने लगे हैं जी पर्ची। ये वाली पर्ची भी निकल गई, अभी हम देखते हैं इसमें क्या निकलता है। ज्यादा बाग सात लोग बना जी इन्हें लागे ज्यादा आते नहीं गए। और खवातीनो हजरात आपके सामने निकले हैं जी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये पर्ची खोली है, इसके ऊपर लिखा हुआ है जी 2 व्लॉग इन अ वीक। ओ माय गॉड क्या बात, इस पे तो अमल किया जा सकता है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें जी, ये अभी हमने ये जी पर्ची खोली है, इसके ऊपर ये आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है 2 व्लॉग इन अ वीक चैनल के ऊपर किए जाएंगे अपलोड, और ये जो है पर्चियाँ बाकी 3 ये बाकी ठीक हो गया। अभी सबसे पहले जो आप ये दरवाज़ा खोल लिया जाए क्योंकि अपना जो बातचीत थी वो तो हमने कर ही ली है। अभी हम इसको दरवाजा ये भूल गया और ये हो गया जी हो गया जी, ये बाहर के मनाजर हैं, पता नहीं आपको नजर आ रहे हैं अपनी कड़कती पड़कती पड़कती हुई धूप जो है वो निकली हुई है बस। और अब काम शाम तो सारा हो गया, इधर करके सारी हमने बातचीत की, अब ये सारा जो गंद बला ये हम मेट भी लेंगे क्योंकि कोई जिन तो आके मेरी मदद करेगा नहीं, ये खुद ही करना हमने जो करना, सारा कुछ जरा मैं बंद बुंद कर लूँ फिर मिलते हैं आपसे। एंड इसके साथ ही साथ खवातीन हज़रात आप लोगों को एक और भी मुबारकबाद देते चलें कि आज 12 रबीउल अव्वल भी है, तो आप लोगों को जश्न ईद मिलादुन्नबी की भी की बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं कि हमने और क्या करना है, जैसा कि आप लोगों ने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई जो आप लोगों के घर में है जी अकेला होम एट अलोन, अभी थोड़ी देर तक आपके भाई को भूख भी लग जाएगी तो फिर कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त हम कर लेंगे, परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना, आप मेरे साथ हैं तो टेंशन क्यों मैं नहीं, ईजी हो जाए। बाकी जी जैसा कि फैसला हो गया जी 2 व्लॉग्स, तो जैसा इस पर पूरा अमल किया जाएगा इंशाल्लाह हफ्ते में 2 व्लॉग अपलोड किए जाएंगे, कोशिश पूरी रहेगी, बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा होगा तो वही। अभी हम चलते हैं अभी यहाँ से बाहर, वो भी बॉयज एंड गर्ल्स में अंदर लेटा हुआ था अपना व्लॉग का जो था वो मैं सीक्वेंस तैयार कर रहा था, तो मुझे थोड़ी सी ज़रा भूख महसूस हो रही थी, तो सोचा कुछ खा पी ले चलते हैं किचन, किचन की लाइट अल्लाह के फजल से कर ही होंगे, तो अभी हम कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स आपके भाई को भी फ्रिज के अंदर एक अदद केक पड़ा हुआ नज़र आया, तो हम यही मेरा ख्याल है खा लेते हैं। अभी हमें चाहिए एक अदद प्लेट, प्लेट पता नहीं अब कहाँ पड़ी है, यही बनी लग रहा है मेरा ख्याल, तो खुल जाओ तो प्लेट आ गई है। अब हमें चाहिए एक अदद छुरी, 100 सब्सक्राइबर ऑफर जल्दी से एयर बन करके 100 सब्सक्राइबर भी करते हैं, चम्मच भी चाहिए और छुरी भी नजर आ रही है। हैप्पी बर्थडे।
इसको हम रखेंगे फ्रिज में वापस। सारी आपको मैं टेक्निक बताता हूँ कैसे आप चीज़ें खा सकते हो अगर आप हो अकेले। तो थोड़ा सा आपके भाई ने नीचे भी सूट लिया है, इसको हम ये मेरी पॉकेट में एक अदर टिश्यू पड़ा हुआ है, इसको हम ऐसे करके तो हम ऐसे कर लेंगे। ये नीचे तो हमने फेंका ही नहीं, इसने कहा नीचे फेंका, इसको हम फेंक लेंगे यूं करके बास्केट में। हाँ तो मेरा ख्याल है भोजन का तो थोड़े से जो है ना वो ग्रेप्स भी खा लेते हैं, ग्रेप्स भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। सो भोजन गर्ल्स हमने ग्रेप्स भी निकाली हैं, समझ नहीं आ रही मैं कौन सा कॉम्बिनेशन, एक साइड पर चॉकलेट केक और इधर ये ग्रेप्स, इनको मन गए वगैरह हल्का सा पानी से पका लेना, दो झूले हैं मुझे लेते नहीं। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स अपना जो लंच शंच था वो भी हो गया एंड अब आपका भाई करने लगा है जी इस व्लॉग की एडिटिंग को स्टार्ट करना। तो क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इस व्लॉग को आज ही एडिट करके आज ही अपलोड भी कर दिया जाए, क्योंकि किसी सियाने ने शायद कहा था कि आज का काम कल पर ना छोड़े, पता नहीं क्या सही नहीं क्या सही, शायद मेरे को सुनने की गलती हो गई है। तो बस उस सियाने की बात को सामने रखते हुए अभी मैं इस व्लॉग को एडिट करने लगा हूँ, अभी एडिट करके अभी अपलोड करते हैं। कुछ अगर आपके भाई ने कोई अजीबोगरीब और काम किया तो वो आपके साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगा। तो मिलते हैं आप लोगों से व्लॉग की एडिटिंग को करने के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। जी तो बॉयज एंड गर्ल्स जहाँ तक व्लॉग अभी तक आप लोग देख चुके हैं वहाँ तक मैंने व्लॉग को एडिट कर लिया एंड अब मुझे और तो कुछ समझ आ रही थी कि मैं क्या करूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना किया जाए, इसी के साथ यहीं पे करते हैं इस व्लॉग को एंड मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।